हाय गाइस, पुनीत इज बैक विथ सम न्यू कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी के RX0 Mark II का। ये दुनिया की सबसे छोटा, सबसे बड़े सेंसर वाला कैमरा है, क्योंकि इसमें आपको 1 इंच टाइप का सेंसर देखने को मिलेगा। और ये बहुत सारे कूल फीचर्स के सामने आता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और देखते हैं कि किस काम के लिए आपके लिए ये कैमरा बनाया और आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। RX0 Mark II, सबसे पहली बात है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 15.3 मेगापिक्सल का एक स्टैक सीमोस देखने को मिलता है, सीमोस सेंसर देखने को मिलता है, जो कि एक्समोर RS सेंसर के बेस पे बना आता है। और इसी कारण से ये फोटोग्राफी में कंटिन्यूसली 16 FPS तक शूट कर सकता है। अगर आप कंटिन्यूस फोटोग्राफी करना चाहें इस कैमरा से, तो वो भी पॉसिबल है। 15.3 मेगापिक्सल के होने के साथ में इसमें जो और नए अपग्रेड किए गए, जैसे आप लोगों को पता हो, इससे पहले कैमरा का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, जो कि RX0 था। तो RX0 का सक्सेसर है RX0 Mark II। काफ़ी कुछ कंपनी ने इसमें अपग्रेड करा और इसे एक बहुत ही यूनिक कैमरा बना दिया है। सबसे पहली बात, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये GoPro नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वाइड एंगल लेंस नहीं दिया गया है। और जो इसका सेंसर साइज भी है, वो GoPro से करीबन 4 गुना बड़ा है। ये 1 इंच टाइप के सेंसर में देखने को मिलता है, 1 इंच टाइप के सेंसर में। और 1 इंच टाइप सेंसर बहुत ही अमेजिंग होते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस के अंदर, और जो इनकी पिक्चर क्वालिटी होती है फोटोज़ और वीडियोज़ में, वो बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपने पॉपुलर बड़े वीडियो कैमरास के बारे में सुना हो, NX100, 200 और भी बहुत सारे सोनी के वीडियो कैमरास 1 इंच टाइप के सेंसर में आते हैं। मैं ये क्यों बोलता हूँ कि दुनिया का छोटा सबसे बड़े सेंसर वाला कैमरा है, बिकॉज ऑफ जो सेंसर इसमें डाला गया है, वो सेंसर कैमकॉर्डर्स में आया करता था, बड़े कैमकॉर्डर्स में आता भी है। अभी भी जो कैमकॉर्डर्स आते हैं, उसमें 1 इंच से बड़ा सेंसर नहीं आता। तो वो सेम बड़ा सेंसर इस छोटे से कैमरा में कंपनी ने ऐड कर दिया है, तो जो कि बहुत ही इस कैमरा को यूनिक बनाते हैं। इसके अंदर आपको 24mm का लेंस, जो कि इक्विवेलेंट 35mm की फोकल लेंथ देगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये कैमरा जो है GoPro नहीं है, बिकॉज ऑफ इसका लेंस वाइड नहीं है। इसका 35mm का इक्विवेलेंट लेंस रखा गया है, ताकि आपको बिकॉज ऑफ 35mm जो कि है सिनेमैटिक फुटेजेस के लिए और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिव माना गया है, इसलिए 35mm का लेंस इसमें लगाया गया है, ताकि आप इससे सिनेमैटिक शूट्स कर पाएं। इसकी पिक्चर क्वालिटी वो भी बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इसका जो सेंसर साइज है वो बड़ा है, और जो पिक्सेलेशन है इसके वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस कैमरा में जो लेंस लगाए गए हैं, वो ज़ाइस के हैं, और इसका जो आगे वाला पार्ट है, वो स्क्रैच प्रूफ है, बिकॉज ऑफ ये कैमरा वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, डस्ट प्रूफ और क्रश प्रूफ है। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, आपको किसी हाउसिंग में इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 33 मीटर्स तक पानी में जा सकता है कैमरा डायरेक्ट, बिना किसी हाउसिंग के। और अगर आपको डाइविंग करनी हो, तो उसके बाद आप इसकी एक स्पेसिफिक एक्सेसरी आती है, वो यूज़ करके और भी डीप वाटर में जा सकते हो। वाटर प्रूफ तो ये हो ही गया, साथ ही में ये शॉक प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी और क्रश प्रूफ भी है। तो अगर ज़मीन पे गिर जाता है या डस्ट लगती है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। शॉक प्रूफ है, 6.4 फीट तक से नीचे गिरेगा तो इसमें शॉक लगेगा, तो कैमरा में प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। और साथ ही में ये क्रश प्रूफ भी है 440 IPS तक। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है और काफ़ी ड्यूरेबल कैमरा है, अगर आप वन टाइम सोल्यूशन देखते हैं इस टाइप के कैमरा के अंदर। क्या चीज़ इसमें अपग्रेड की गई है, अगर RX0 पुराने वाले वर्जन से मैं इससे कंपेयर करूं, तो इसके अंदर अपग्रेड किया गया है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इसका डिस्प्ले। ये एक 180 डिग्री फ्लिप डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। अगर मैं और जूम करूं मेरे वीडियो के ऊपर, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी डिस्प्ले है, वो 180 डिग्री टिल्ट हो सकती है। आप इससे खुद की वीडियो भी बना सकते हो, बिकॉज इसकी डिस्प्ले जो है बिल्कुल सामने सेल्फी की तरह बन जाएगी। और इसकी डिस्प्ले डिफरेंट एंगल्स पे जा सकती है, अगर आप लोअर शॉट्स ले रहे हो और अगर आप अपर शॉट्स ले रहे हो, तो उसमें ये आपका कैमरा बहुत हेल्प करेगा डिफरेंट पोजेस को कंपोज करने में। इसके साथ ही में डिस्प्ले 180 डिग्री फ्लिप तो होती है, और इस कैमरा में 3.5mm का जैक भी है, जिससे आप साइमल्टेनियसली अच्छी क्वालिटी का ऑडियो माइक्रोफोन लगा के रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप एक व्लॉगिंग कैमरा देख रहे हो, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, जो वाटर प्रूफ भी हो, शॉक प्रूफ भी हो, डस्ट प्रूफ भी हो, तो ये कैमरा आपकी बहुत हेल्प आउट कर सकता है। बिकॉज ऑफ इसकी डिस्प्ले फर्स्ट तो आगे आ जाएगी, तो आप खुद को कंपोज कर पाओगे, खुद को फ्रेम कर पाओगे, और साथ ही में अच्छी क्वालिटी का
ऑडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। इंटरनल माइक्रोफोन वैसे तो गुड इनफ है, बट अगर आप मार्केट में चल रहे हैं, ट्रैफिक की आवाज़ है और ये सब की आवाज़ से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन या माइक्रोफोन इसमें लगा सकते हैं 3.5 mm के जैक के थ्रू। इसके साथ ही मैं इसमें 4K डाल दिया है। पुराने वाले कैमराज में 4K इंटरनल रिकॉर्ड नहीं होता था, आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर के थ्रू 4K रिकॉर्ड करना पड़ता था, बट अब ये कैमरा बिल्ट इन 4K के साथ में देखने को मिलेगा। 4K के साथ ही में फुल HD 120 फ्रेम स्लो मोशन ये शूट कर सकता है। और इसमें जो एक और चीज़ अपग्रेड की गई है वो है स्टडी शॉट। पुराने कैमरा में लोगों को जो प्रॉब्लम थी कि यार उसमें स्टेबलाइजेशन की थोड़ी सी कमी थी, फुटेज जो है जब आप हैंड हिल शूट करते थे तो बड़ी हिलती डुलती आती थी, तो इसमें स्टडी शॉट, एक्टिव स्टडी शॉट ऐड कर दिया है। तो इसमें 3x का इमेज स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, जिससे आपकी फुटेज जो है वो थोड़ी स्मूथ बन के निकलेगी जब आप हैंड हिल्ड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे इस कैमरा से। कुछ सैम्पल फुटेजेस आपके सामने आ रही होंगी जो कि इस कैमरा से ली गई हैं, जिससे आप देख पाएंगे कितना स्टडी ये शूट करता है। फोटोग्राफी भी इसने बहुत डिसेंट करी, और साथ ही में इसमें इंटरवेलोमीटर भी ऐड कर दिया है कंपनी ने, इंटरवेल टाइम शूटर। स्टॉक मोशन अगर आप शूट करना चाहो, इंटरवेल मीटर यूज़ करके फुल हाई क्वालिटी का टाइम लैप शूट करना चाहो, तो इस छोटे से कैमरा से वो भी किया जा सकता है। बैटरी लाइफ जो है वो भी गुड इनफ है। अराउंड अगर आप इससे लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, खुद के ब्लॉग्स बनाते हैं, 20-25 मिनट इसका बैटरी चल जाता है। और अगर बैटरी ख़त्म हो गया है तो इसमें 3.5 mm का बी टाइप वाला स्लॉट है जो हमारे स्मार्टफोन्स में यूजुअली देखने को मिलता है, तो उससे आप पावर बैंक से भी इसे चार्ज करके यूज़ कर सकते हो। तो रन एंड गो है, मतलब अगर आपके पास बैटरी नहीं है, बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो आप डायरेक्ट पावर बैंक पे लगाओ और आप अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको उसको चार्ज करना है तो डायरेक्ट पावर बैंक से भी ये चार्ज हो जाएगा। इस कैमरा को एक और यूनिक फीचर देती है। ये कैमरा किसके लिए बनाए हमें ये जानना ज़रूरी है। जिन लोगों को हाई क्वालिटी व्लॉग शूट करना है, बिकॉज ऑफ इसकी जो सेंसर टाइप है वो बहुत अच्छा है और जो एज पॉसिबल एज क्वालिटी के वीडियोज़ अच्छे से निकल के आएंगे। जिन लोगों को एक ऐसा कैमरा चाहिए जिससे बहुत ही यूनिक शॉट आ सके, क्योंकि ये वेडिंग के लिए भी मैं रेकमेंड करूँगा, बिकॉज ऑफ ये ऐसा कैमरा है जो ऐसे ऐसे कोनों में जाकर के वीडियो शूट कर सकता है जिसमें आपके बड़े कैमरा स्ट्रगल करते हैं। मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को देखा है इस कैमरा से बहुत ही यूनिक वीडियोस बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इमर्सिव लुक देती है जब आप अपने वेडिंग फुटेजेस के अंदर और किसी भी टाइप के अपने इवेंट के शॉट्स के अंदर इसके फुटेजेस को ऐड करोगे, बिकॉज ऑफ स्मॉलर इनफ है। और आप बहुत ऐसे शॉट्स ले सकते हो जो आपका DSLR या फिर जो आपका कैमकॉर्डर कभी भी नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा। एक तो मैं उस वजह से इस कैमरा को रेकमेंड कर सकता हूँ, एक मैंने रीज़न बता दिया, अगर आप व्लॉगिंग करते हो, अगर आप एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हो जो आपको सिनेमैटिक बी रोल्स बना के दे रहे हैं, तो वो भी आप इससे कर सकते हो, बिकॉज ऑफ 35 mm इक्विवेलेंट लेंस की वजह से ये आपको अच्छी क्वालिटी के फुटेजेस बना के देगा अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो उस जगह भी ये काम आ सकता है। बाकी ये कैमरा एक ओवरऑल बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट फोटोग्राफी टूल भी है, अगर आप इससे फोटोग्राफी करना चाहो, बिकॉज ऑफ जो डिस्प्ले है वो बहुत वेरियस एंगल में आपको फोटोग्राफी करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देगी, जो आपको मे बी और किसी नॉर्मल बजट वाले कैमरा में नहीं देखने को मिले। और 15.3 मेगापिक्सल एक ऐसा अच्छा रेजोल्यूशन होता है जो आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ खींचने को अलाउ करता है। साथ ही में इस कैमरा में वीडियो को रिलेटेड भी सारे ऑप्शन दिए गए, पिक्चर प्रोफाइल जैसे कि S-Log2 और S-Log3 का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप अपनी फुटेजेस में कलर ग्रेडिंग करना चाहें तो वो भी इस कैमरा के वीडियो की फुटेज में पॉसिबल है। ये कैमरा वैसे तो बहुत सारे फीचर्स के साथ में आ रहा है, अगर आप प्लान कर रहे हो परचेज करने का तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर रखे हैं, आप जाकर के डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।